होगा तो तुम लोग फिर सेकंड शिफ्ट देर होगा, फिर थर्ड शिफ्ट देर, रात 12 बजे तक कौन एग्जाम देने रुकेगा, लेडीज भी है। तो इसीलिए अभी हम लोग पहले तो कोशिश किया कि देर को भी हो जाए, जब देखा कि वो पॉसिबल नहीं है, मैंने पूछा कि कल हो पाएगा क्या, तो बोले उनका लोग यहाँ रुक जाएगा, वो बोले क्या कल के लिए ये तो क्वेश्चन पेपर है कि नहीं दे पाते, तो दोबारा क्वेश्चन पेपर बनाने में टाइम लगेगा, 10-15 दिन लग सकता है, तो इसीलिए कैंसिल हुआ। अभी ये है, किसी ने पूछा था धोखा, धोखा कुछ नहीं होगा, तुम लोग इसलिए हाँ, तो ये तो लिख दिया गया है, किसी ने बोला है कि रोल नंबर, रोल नंबर तो किसी को इतना अगर डाउट है तो रोल नंबर भी हम लिखवा के दे सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ना लाइन में कौन बैठा था, कौन सा लाइन में बैठा था, और हमारे पास 9 तो सर शायद एक लाइन में 20 बच्चे आ सकते हैं, 82 बच्चों का कोई विंग ही लिखा है ना, ये पूरा विंग, ये पूरा एरिया 3 ना, वो ये लिख दिया है, तो हमारे पास, मैं जानता हूँ, मैं बाहर से आया, मुझे पता है कि 82 लोगों का एग्जाम नहीं हुआ, 83 था, उसमें एक दूसरा जगह पे ऐसे भी उसका डामी कैंडिडेट था, दूसरा में हो गया, तुम लोग 82 हो, तो 82 के लिए हम लोग पता है, इसीलिए यहाँ सबका डाटा यहाँ नहीं होता, कि जब आते हो सबका डाटा है, जब बायोमेट्रिक हो जाता है कौन कौन लोग अंदर चला गया, एग्जाम जब शुरू हो गया, लॉग इन हो गया, कौन कौन लोग एग्जाम दे रहा है, सब कुछ पता होता है हमारा सिस्टम में, तो ये 82 लोगों को इसलिए पता है कि किसका कैंसिल हुआ है, ठीक है, इसलिए कोई डरना बात नहीं, कोई अगर बहुत डरता है तो दो एडमिट कार्ड दो, उसमें मैं लिख देता हूँ, कोई भी नहीं, हम लिखवा देंगे, अगर किसी का अभी अभी सुनो वो करोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, अभी इसलिए कोई डरने का बात नहीं, मिनट अभी नहीं क्या कम्प्लीट करने, सुनो मैं कम्प्लीट कर लेता हूँ उसके बाद बोलना, फिर क्योंकि एक ही बात सभी लोग पूछता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात है कि अभी कब रिशेड्यूल होगा, मैंने बताया 10-15 दिन भी लग सकता है, कोई घबराना नहीं कि ट्रेन में जा रहे हो तो बीच में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, कितने बार बताओ, SMS और ईमेल आएगा, SMS जो अभी ईमेल आएगा फिर तुम लोगों को वो वेबसाइट में जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको सेम प्रोसीड्यूर डाउनलोड करके, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि नजदीक वाला सेंटर मिल जाए, लेकिन मैं सिर्फ डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, सुनो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया प्रॉब्लम है, हम सभी शहर में, 21 शहर में है, सभी शहर में मिलकर डिसाइड करेंगे कि इस बार घर के नजदीक देने दिया जाए कि नहीं, वो सब डिस्कशन भी हो रहा है, तो वो कुछ डिसीजन होगा उसका, उस हिसाब से होगा, अगर फिर दोबारा यहाँ आना भी पड़ेगा तो आना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, अगर अपना जगह पे नजदीक में सेंटर है अवेलेबल, अगर हम ऐसा डिसाइड करते तो वहाँ हो जाएगा, ठीक है, और कोई डरने का बात नहीं, यहाँ तो ये इशू हुआ, परसों लाहौल डिब्रूगढ़ में एग्जाम हुआ था, वहाँ सेकेंड शिफ्ट में बहुत लोग दे नहीं पाए, क्यों, वहाँ कोई लोकल लोगों ने उन लोगों को एग्जाम देने नहीं दिया, बोला कि बाहर से इतना लोग आए हम नहीं देने देंगे, लाहौल डिब्रूगढ़ सेंटर और दूर है, तो वो फोन मेरे पास अभी लगातार आ रहा है, उन लोगों को मैंने ऑफिस को बोल लेता हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो मेरा मोबाइल दे दो, आई डोंट माइंड, बिकॉज कोई सब ठीक से समझा नहीं पाएगा, वो फिर मुझे पूछेगा, उससे आता है कि मैं ही समझा दूँ, तो मेरे पास जितना फोन आया है उसी हिसाब से उन लोगों को हम कल, कुछ लोगों ने वहाँ से आके यहाँ एग्जाम दिया है, वहाँ डर गया, यहाँ आके दिया है, कोई लोग रास्ते में जा रहा था, मैं किसी को बोला कि तुम सिलीगुड़ी उतर जाओ, NJP में मैं सेंटर में बोल लूँगा, वहाँ दिलवा दिया, दो एक लोग तो सुनो, अरे भाई फिर बात बीच में तुकते हो, फिर वो लोग कोई लोग जाके कटिहार पहुँच गया, मैंने बोला वहाँ उतर जाओ, वहाँ पूर्णिया सेंटर है, वहाँ सेंटर में हम इन्फॉर्मेशन दिलवा दिए, उन लोग को दे दिया, ऐसे दे रहा है, अभी भी 2-3 फोन आया, बोला कि मैं तो घर पहुँच गया, क्या होगा, मैंने बोला तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पे तुम लिखो क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है उसका कॉपी लेके व्हाट्सएप करो, प्लस तुम जो डिब्रूगढ़ गया था कि नहीं उसका प्रूफ के हिसाब से टिकट का एक कॉपी करो, ये सब व्हाट्सएप कर दो, और साथ में ईमेल भी कर दो, ईमेल आईडी हमारा वेबसाइट में है, अगर नहीं कर पाओगे तो व्हाट्सएप के ऊपर ही हम लोग एक्शन कर लेंगे, तो शायद उन लोगों को भी हम लोग रिशेड्यूल करेंगे, कुछ तो ऑलरेडी हो ही गया, उन लोग तो बिना नया एडमिट कार्ड से हो गया, मैंने बोला तुम आज का एडमिट कार्ड ले जाओ, कल तुम्हें दिलवाने सर, हम लोग का एग्जाम कब होगा, अरे भाई सर आप तो बहुत चले, पहले कंप्लीट करो सर, थोड़ा जल्दी कर दो, ट्रेन जाएगी, कब कब के अर्लीस्ट डेट कब है किसका, हमारी 1:30 बजे से खत्म है, कितने बजे है ट्रेन, 1 बजे तो ठीक है, तो इसीलिए
ये है तो सब तो क्लियर हो गया, अभी इसलिए रुकने का फायदा नहीं है, घर चले जाओ। ओके सर, टाइम मिलेगा, अच्छा हुआ दोपहर का और दो चार दिन टाइम मिल गया तो। सर एक क्वेश्चन, चंद्रजीत सैकिया गुवाहाटी चेयरमैन हो आप? गुवाहाटी चेयरमैन ही? और कहीं से मैं गुवाहाटी चेयरमैन हूँ, मैं सिलीगुड़ी का भी अभी चेयरमैन हूँ। ये इंटरव्यू नहीं है, कोई बात नहीं, एक मिनट सर, एक क्वेश्चन, एक एक वो उनको मौका नहीं मिला, फर्स्ट तुम ही बोल रहे हो शुरू से, उनको दूसरा को भी बोलने दो। सर हमारे 20 दिन बाद पेपर लगेगा या महीने पर बाद पेपर लगेगा, उसका स्तर चेंज कर जाएगा तो उसका नॉर्मलाइज मिलेगा हमको? नॉर्मलाइज होगा, ऑटोमेटिक हमेशा ऐसा होता है कि जब पेपर सेट किया जाता है एग्जाम कैंसिल होता है तो पेपर हमेशा टॉप से वो टॉप आता है। ना ना एक मिनट, उसमें सिलेक्शन होता है मात्र 1-2 लोग बताओगे क्या फायदा है, वो बता ही रहा साफ है, तुम ही बताओगे क्या फर्क पड़ेगा, फिर आसान हो जाएगा? नहीं नहीं, हमेशा होता है कि जब पेपर कैंसिल किया जाता है उसमें पेपर टॉप सेट किया जाता है और उनमें जितने भी लड़के रहते हैं उनमें से मात्र 1-2% लोगों का सिलेक्शन होता है, ऐसा देखा गया हमेशा। अगर ऐसा तुमने उठाया है, मुझे तो पता नहीं था। नहीं अभी पिछले 2017 का सीपीयू का देख लीजिए सामने है, उसमें ऐसा हुआ। क्या सीपीयू का? सीपीयू का एग्जाम हुआ था इलाहाबाद, एसएससी जो भर्ती कराते हैं, साढ़े 600 लोगों का हुआ एग्जाम कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद से फिर उन लोगों को डेट दिया गया, अगला डेट दिया गया, उनमें से मात्र 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ठीक है, मैं जो भी व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप में डालूंगा, लोग ऐसा बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चन पेपर टफ नहीं होना चाहिए, पेपर अगर टफ होगा तो फिर नॉर्मलाइज करना पड़ेगा उनको। सर पेपर इतना टफ है ना उसमें कि जो लड़का 120 करता था उसी से मात्र 70-65 करके आया। ये मतलब ये ध्यान में रहा, ऐसे प्रीजुडिस से लगभग कुछ ऑफिसर वर्ग के लोग पीड़ित थे, तो हम नहीं चाहते कि उन सबसे हम लोग प्रभावित हो। वो तो एसएससी का मामला है, हमारा अलग है। एसएससी में वोट घोटाला भी कभी हुआ? कितना सर रेलवे में तो हमेशा होते रहता है, एसएससी में कभी कभी देखने को मिलता है, आरआरबी में नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ, आरआरबी का हम लोग का कैंसिलेशन दिखाएगा ना ऑफिशियल साइट पर, हम लोग का कैंसिल हुआ है आरआरबी साइट पर, मतलब कब तक दिखाएगा सर? अभी पता नहीं, वो सोचना पड़ेगा कि ये तो दिए इसीलिए तो ये सब, अगर वही पे दिखाते हैं तो तुम लोग को लिख के देने का क्या जरूरत है, ये किसका था पहले तू ये ले रहा। और किसी को कुछ जाना है तुम मेरा जो मोबाइल नंबर है उसी में व्हाट्सएप नंबर, एक मिनट सर, 9957।